कि पूरे विश्व में जो बदलाव हो रहे उसके कारण आज हमारे देश में भी खेती, फिशिंग, टूरिज्म, लोगों की काम करने की क्षमता, उसके ऊपर बुरा असर हो रहा है। और जो नेचुरल कैलामिटीज हो रहे हैं उसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो और है। तो ये सभी का नतीजा देखकर हम कह सकते हैं कि भारत दुर्भाग्य से आज इसका शिकार बन गया है, जो जिसका कारण भारत नहीं है, लेकिन भारत हैज बिकम अ विक्टिम एंड विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसके लिए निपटने के लिए काफी काम करने की जरूरत है, इसमें मिटिगेशन करना चाहिए ताकि और ग्रीन हाउस गैसेज न बढ़े। इसके लिए हम लोग बड़ी मात्रा में देश में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो एक तय किया है कि क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए पूरी मात्रा में ताकत लगाकर विश्व में काम करेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि उनके कारण पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन के दौरान जो एग्रीमेंट बन पाया उसकी वजह नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप। उस समय ओबामा अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि भारत की वजह से इस काम बना। दुर्भाग्य की यह बात है कि आज डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने का निर्णय किया, बहुत ही दुर्भाग्य बात है। लेकिन हमारे देश में हम लोग ये चाहते हैं कि हम हमारी तरफ से भी एक योगदान दें। पूरे विश्व को जो करना चाहिए उसके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनना चाहिए, लेकिन देश में करने के लिए भी हम लोगों ने पूरी मात्रा में हमारी एनर्जी मिक्स बदलने का निर्णय किया है। एनर्जी और एनवायरमेंट एक ही सिक्के की दो अलग अलग बिंदु है। हम जब तक एनर्जी को ठीक नहीं करेंगे एनवायरमेंट ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देश में तय किया है कि सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। मुझे कहने के लिए खुशी है हमने रेल में 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी निर्माण करने का निर्णय किया है। और साथ ही में हम लोगों ने इस बात का भी निर्णय किया है कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, एनर्जी कॉस्ट कम करेंगे और 41,000 करोड़ रुपया एनर्जी कॉस्ट से भी सेविंग रेलवे को होगा 10 साल में। लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे होता है इसका एक उदाहरण है। साथ ही में मिटिगेशन करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी मात्रा में दिवाकर रावते जी वहां बैठे कि जो रोड ट्रैफिक है, व्हीकुलर ट्रैफिक, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा होता है। तो रेल एक बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसको बढ़ोतरी देना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। निजी कार से भी एसटी से लोगों ने, बस में लोगों ने जाना चाहिए और एसटी में भी अच्छी सुविधा देने की भी कोशिश हमारे दिवाकर रावते जी भी करें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ोतरी देनी चाहिए और साथ ही में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस में उसको भी कम करें। यह होगी मिटिगेशन की बात, यानी ग्रीन हाउस गैस कम किस तरह से किए जाए। लेकिन फिर भी बात बचती है कि आप मिटिगेशन आज करेंगे तो लेकिन पुराने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गए उसकी वजह से तो क्लाइमेट चेंज होते ही रहेगा। तो उसको निपटने के लिए अडॉप्टेशन करने की भी जरूरत है, यानी हमें मिलजुल कर प्रकृति के साथ में किस तरह से जीना चाहिए। ये करने में पानी की समस्या सबसे बड़ी आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा वो कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, और भी ज़्यादा बढ़ सकता है यदि हम आज ही कोशिश नहीं करेंगे तो। लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे आज खेती के लिए पानी लगता है इसमें भी बड़ी मात्रा में ज़्यादा जरूरत लगेगी, खास करके गेहूँ, वो तो बड़ी मात्रा में आज वल्नरेबल क्रॉप बन गया है, क्योंकि आज इतने 2 डिग्री सेंटीग्रेड में शायद गेहूँ का पैदाइश नहीं हो पाएगी, इसके लिए ज़्यादा पानी लगेगा। और आज भी देश में 85% करीबन पानी जो हमारे देश में है वो खेती के लिए जाता है, तो खेती के लिए और पानी लगेगा, तो नहीं तो हमारे किसान आज भी परेशान है और भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है, उसको निपटने के लिए वाटर कंजर्वेशन, वाटर प्लानिंग बड़ी मात्रा में करना चाहिए। वापस मुझे कहने के लिए खुशी है कि रेल में हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि पूरी मात्रा में वाटर पॉलिसी हमने पहली बार बनाई, एनवायरमेंट डायरेक्टेड बनाया, और उसके तहत हम लोगों ने पानी की ऑडिट, वाटर बॉडीज बनाने का, रिवाइटलाइज करने का एक निर्णय किया है। उसके तहत आने वाले दिनों में भी पैसे की बचत भी होगी और पानी की खपत कम करने में भी हम लोग कामयाब रहेंगे। तो ये सभी लोगों ने करना चाहिए, नए क्रॉपिंग पैटर्न डेवलप करने चाहिए, क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो हमारा नारा है उसको अच्छी मात्रा में हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसलिए पूरी मात्रा में मिटिगेशन और एडॉप्टेशन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज को निपटना चाहिए। ये सब करने के लिए लोगों को जब तक पता नहीं होगा तो लोग कैसे निपटेंगे? आपको यदि कुछ रोग है पता चलेगा तो आप निदान नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे।
इसलिए साइंस एक्सप्रेस पूरे देश में दौड़ाने का फैसला हमने किया और आज पूरे देश में जा रही है। हमने उसको हरी झंडी मैंने दिखाई थी कुछ महीने पहले, तो आज उसकी वजह से लोगों में एक जागरूकता बनेगी, लोगों को एक पता चलेगा कि क्या समस्या है और समस्या में हल भी क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी इस साइंस एक्सप्रेस से माध्यम से दी जा रही है। और कोई भी काम करना है तो उसको शास्त्रीय निदान होना चाहिए, शास्त्रीय सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये करने के लिए साइंस एक्सप्रेस पूरे देश में जा रही है। और मुझे खुशी है कि मुंबई में भी आ रही है। मुंबई हमारी देश की एक बहुत अहम शहर है, कमर्शियल कैपिटल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, और मुंबई में जो समस्या है वो मुझे लगता है पूरे देश की समस्या का एक मिरर मुंबई में भी दिखाई देता है, आईना दिखाई देता है। जैसे कि हमारे पास कोस्ट लाइन है, मुंबई में दोनों तरफ से कोस्ट लाइन है, मुंबई आइलैंड सिटी है, तो मुंबई की जो कोस्ट लाइन है वो जो सी लेवल राइज होगी उसकी वजह से जो पानी समुद्र का पूरे अंदर आ जाएगा उसकी वजह से तो छोटे छोटे जो आइलैंड है तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुंबई को भी खतरा बनेगा और इसलिए मुंबई के लिए एक समस्या है। साथ ही में मुंबई की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मुंबई सबअर्बन रेलवे है, मेट्रो है, बीएसटी बसेस है, उसको ज्यादा हमने बढ़ोतरी देनी चाहिए। साथ ही में ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इसमें भी हमने रेल ने तय किया है कि 5 करोड़ ज्यादा पेड़ लगाएंगे। पेड़ का लाभ ये होता है, आप सब लोग जानते हैं, हमारे छोटे बच्चे जानते हैं कि पेड़ एक ही ऐसी चीज है कि जो